इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, स्ट्रैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ पीसीएमबी और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज। मुस्लिम समुदाय में बच्चों की शिक्षा को लेकर परिजनों द्वारा काफी अनदेखी की जा रही थी। हालांकि कोविड महामारी के बाद यह और भी कम हुई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए उलमा कमेटी और अल अमान की ओर से परिजनों में शिक्षा को लेकर एक कैंप का आयोजन विजयपुर नगर में किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार ने कहा कि समुदाय में शिक्षा को लेकर काफी नजरअंदाजी की जा रही है। कोविड के बाद यह और भी ज्यादा देखने को मिल रही थी और समुदाय कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो काफी करीब हैं और जिनको स्कूल की फीस देना भी और समुदाय में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो काफी गरीब हैं जिनको स्कूल की फीस देना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने इस समुदाय में शिक्षा को लेकर जागरूकता और गरीब परिवार के बच्चों के फीस के मामला हो या जो भी उससे हल करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। कहा इस मौके पर काफी परिवार यहां मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में मौलाना मुफ्ती रिजवान एजी महलदार, के एस सांगलीकर, डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार सहित सभी उलमा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। आपको मधु करता हूं कि हमारे और खिलाफ इकरार पाक पूछ। وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل استعانوا على ما تصفون उसके लिए तैयार करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा जब सेकंड स्टैंडर्ड में आता है तो उसको जो है मैथमेटिक्स के एतबार से, साइंस के एतबार से और फिर माहौलियात के एतबार से आगे की चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो इस्लामियात के अतबार से, दीनियात के अतबार से भी हमारे बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों की दीनियात और इस्लामियात मजबूत होनी चाहिए और दीन का जो बुनियादी मवाद है और दीन की जो बुनियादी बातें हैं उन बातों पर बच्चों को मजबूत और उस पर तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमारे मौलाना मुफ्ती शफीउल्लाह साहब ने जो बात कही कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी को समझाना चाहिए, बच्चों को भी अपनी खुद की जिम्मेदारी और उनकी क्या सलाहियत है, उनकी क्या एबिलिटी है वो बच्चों को भी समझाना चाहिए और कौम के ताल्लुक से उन्हें आगे चलकर क्या करना चाहिए, कौम की हमदर्दी और कौम की गमखारी और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा ये असातिज़ा और इदारा ही बच्चों के अंदर पैदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि और उलमा कमेटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट और मुफ्ती शफीउल्लाह साहब, डियर हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स और हमारे मेहमान जो उलमा आज हाजिर हैं, सबका मैं आशीर्वाद है। ये खासकर ये मजलिस इसलिए बुलाई गई थी ये समझ रखते हुए कि उलमा जो है हमारे सोसाइटी के, हमारे कम्युनिटी के एक बाइंडिंग फोर्सेस हैं जो कोई भी मैसेज
ऑनलाइन क्लासेस घर में एक मोबाइल होता है, घर में किसी के पास स्मार्टफोन होता है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। वालिद सुबह काम के लिए निकल जाते हैं तो स्मार्टफोन घर से निकल गया, फिर बच्चे के लिए पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई जरिया नहीं है। ये सारे मुश्किलों की वजह से जो उर्दू स्कूल्स हैं और बाकी जो गरीब बच्चे, अक्सर बच्चे जो है एजुकेशन से महरूम हो, वो वक्त के बड़े डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, अच्छे से अच्छे वकील भी बने, लेकिन साथ ही साथ वहाँ से जब वो निकलेंगे तो उस इदारे में जो उनका दीदी नजरियाती तौर पर और फिक्र के तौर पर ऐसा वहाँ से निकले कि उनके ईमान में किसी किस्म का भी जो है इस निदान ना हो, यानी कब का बहान ना हो, यानी कमजोरी ना हो, बल्कि वो अपने दीन पर कायम रहते हुए कौम और मिल्लत की पूरी इंसानियत की खिदमत करें और ऐसा नमूना बने कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी जब देखे कि भाई इस्लाम इतनी अच्छी तालीम देता है तालीमान को देखने से। एक दूसरी बात थी कि मुस्लिम इदारों के अंदर भी रस्मी दुनिया तो न हो बल्कि मजबूत एक मुनज़्ज़म निज़ाम के ज़रिए से बच्चों की रहबरी की जाए। आपका बच्चा ऐसा है, बल्कि हमारा बच्चा आगे चलकर मुल्हिद ना बने, हमारा बच्चा आगे चलकर ये दीन से मुतनफ़िर ना हो, हमारा बच्चा मुर्तद ना हो, इस फिक्र में आप उसको हर महीने में जितने भी वालिदैन होते हैं उनको बिठाकर सही सही मालूमात के सिलसिले में उनको भी आगाह किया जाए और उनको बताया जाए कि वो लोग अपने बच्चों की घरों के अंदर किस अंदाज से तरबियत करें, ये बताना है, ये भी जरूरी है। बुरा वक्त अगर असली रूप में लगाते हैं तो दीन के खोए रह जाते हैं, तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की इसमें जरूरत है। तो आप इस ताल्लुक से हमें क्या मशवरा देते हैं, ये भी आपकी फिक्र के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसके फंक्शन के बाद या बैठ कर एक लाए मन जो है आप हमें तजवीज़ करें, इंशाल्लाह जो है हम सब मिलकर जो है इसके लिए काम करेंगे। दूसरी बात जैसे मेरे रिजवान बता रहे थे कि महीने में एक घंटा, महीने में एक पीरियड जो है हम जो है वहाँ के तरफ से, आज माशाल्लाह बहुत खुशी का मौका है कि आज अलमान इदारे की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम उठाने के लिए उलमा इकराम को आज दावत दी गई थी। माशाल्लाह हम कई उलमा इकराम शहर के हुफाज इकराम यहाँ पहुँचे हुए, और जो कोविड के ज़माने में हमारे मुस्लिम बच्चों का जो नुकसान हुआ है तालीमी एतबार से, जिन बच्चों की उम्र 4 साल थी उस टाइम, 2 साल लॉकडाउन और स्कूल न होने की वजह से वो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड की लेवल को आ गए, लेकिन तालीमी एतबार से वो बच्चे उस लेवल में नहीं हैं। तो अलमान इदारे के जो सरप्रस्तान हैं, ज़िम्मेदार हजरात हैं, उन्होंने इस तरफ कोशिश की और फ़िक्र की कि उलमा इकराम के ज़रिए से बातचीत करके उम्मत तक और कौम मिल्लत तक ये बात पहुंचाई जाए वालिदैन और पेरेंट्स तक कि ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया जाए, और ख़ास तौर पर अलमान इदारे के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उन्होंने इस बात का ऑफ़र भी पेश किया कि हमारे पास में प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, और अभी और भी कई नई चीज़ें जो है PUC शुरू करने का उन्होंने इरादा किया है। तो वो यही चाहते हैं कि कौम और मिल्लत तक ये बात पहुँचे कि हमारे मुस्लिम बच्चे जो तालीम से दूर हैं उनको तालीम के मैदान में लाया जाए और तालीम से जोड़ा जाए। उसके लिए जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे हैं, जो माँ बाप जो है फ़ीस वगैरह के मसले को लेकर अपने बच्चों को तालीम से इस वक्त में दूर रख रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी स्कीमें और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बयान की हैं। तो हम खैर मकदम करते हैं अलमान स्कूल के ज़िम्मेदारों का और पूरे इंस्टीट्यूट का, उनके टीचर हजरात का, कि उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया और उलमा और हुफाज को लेकर उन्होंने जो है कौम और मिल्लत तक ये बात पहुँचाने की फ़िक्र की है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि इस इदारे को आगे बढ़ाया जाए और कौम और मिल्लत के वो बच्चे जो फ़ीस और डोनेशन के नाम पर हमारे बच्चे जो तालीमी इदारों से जो दूर हैं उन बच्चों को तालीम के लाइन में लाने के लिए एक इदारा जो है इस वक्त में इरादा कर रहा है। तो हमें हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे अपने मुस्लिम इदारों को हमें ऐसे बच्चे फराहम करके इस इदारे की तालीम के सरगर्मियों को हम आगे बढ़ाएं। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो फ़िक्रें की गई कौम और मिल्लत के लिए अल्लाह पाक सबको इसे इसके लिए कबूल फरमाए। रिजवान नदवी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार, एक हमारे मैनेजमेंट अलमान इंस्टीट्यूशन के तरफ से एक मीटिंग हुई जिसमें हमने सर्वे करवाया कि कोविड की वजह से
माली नुकसान जो हमारे कम्युनिटी में हुए हैं, उसके साथ साथ जानी नुकसान हुए हैं, उससे सबसे बड़ी नुकसान जो हमारे कम्युनिटी को पेश आई है वो एजुकेशन के लाइन से, जहाँ पे बच्चे 5 साल 4 साल में एडमिशन लेना था स्कूल में, लेकिन 8 साल 9 साल उम्र हो गई लेकिन पूरी तरह स्कूल अभी तक गए नहीं, एडमिशन उनका नहीं हुआ। ऐसे कई बच्चे हैं, कई लोगों के दो दो तीन तीन बच्चे हैं 5 साल उम्र के 6 साल उम्र के 7 साल उम्र के, जो घरों में ही बैठे हुए हैं इस वजह से कि वो सोच रहे हैं कि क्लासेस तो नहीं हो रहे हैं, तो क्लासेस के नहीं होने की वजह से सिर्फ फीस भरने से क्या होता है अगर क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो इस पर वो एडमिशन्स नहीं कराए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान है, हम चाहते हैं हर एक बच्चा जो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, जो उसकी उम्र कोई भी हो 5 साल 6 साल, अपने उम्र के बाकदर उसको अपने क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, और अगर वो अपने क्लास में बैठने से मुश्किलात हो रही हैं तो उसको रिमीडियल क्लासेस का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से उसको प्राइमरी बेसिक टीचिंग की जाएगी 3-4 महीने में, उसके बाद उसको नॉर्मल क्लासेस में जोड़ के उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। ये हमारा एक मुहिम चल रहा है, हम चाहते हैं कि एडमिशन फीस और फीस की फिक्र करे बगैर अल्लमान की तरफ से आप रुजू करें, हम जो है एडमिशन देंगे, और कम से कम फीस और कम से कम एडमिशन फीस के बगैर हम जो है एडमिशन देंगे ऐसे बच्चों को इंशाल्लाह। शहर बीजापुर में कोलकाता कॉटन च्वाइस आप और आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन च्वाइस, जो आपकी हर ड्रेस मटेरियल की च्वाइस को पूरा करती है, जिसमें सिर्फ 140 रुपए में आपको मिलेगा हर किस्म के बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल, जहां जेंट्स लेडीज और बच्चों के लिए बेहतरीन डिजाइन के ड्रेस कलेक्शन के साथ और भी कई चीजें लेकर आए हैं कोलकाता कॉटन च्वाइस, जिसमें सिर्फ 140 रुपए में लेडीज के लिए टॉप्स, लेगिंग्स, टी शर्ट, प्लाजो पैंट्स, धोती और पटियाला पैंट्स, नाइट मिडीज, इनर वियर्स, बेहतरीन डिजाइन के स्लीपर्स और सैंडल्स, जेंट्स के लिए उम्दा क्वालिटी के कॉटन पैंट्स, टी शर्ट, नाइट पैंट्स, स्पोर्ट शूज और इनर वियर के अलावा और भी कई आकर्षक चीजें मौजूद हैं, और खास तौर पर बच्चों के लिए टी शर्ट, शर्ट्स, कॉटन फ्रॉक्स, लॉन्ग फ्रॉक्स, किड्स इनर्स, 3/4 पैंट्स, लहंगा, स्लीपर्स, शूज जैसी और भी कई बेहतरीन चीजें मौजूद हैं, जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकती है। तो एक बार अपने परिवार समेत विजिट करके 140 रुपए में कीमत में आप अपना बेहतरीन ड्रेस कलेक्शन पा सकते हैं। इनका पता कोलकाता कॉटन च्वाइस, गणपति चौक, आरबी मुगलाई बिल्डिंग, अंडरग्राउंड, विजयपुरा 586101।